आज देखते हैं स्विचिंग। स्विचिंग मैंने कल बताया था आप लोगों को कि देखता है कि किस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होनी है और फिर जो डिवाइसेस कनेक्ट होनी है उसमें आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होना है, ठीक है, कैसे डेटा पैकेट जाना है, कैसे कनेक्शंस क्रिएट करना है, ये सब। तो ये पूरा प्रोसेस स्विचिंग में आता है। स्विचिंग मेनली तीन तरह का होता है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। बेसिकली मेनली दो टाइप का ही होता है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, कहीं कहीं मैसेज स्विचिंग भी दे रखा होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं पैकेट स्विचिंग के भी दो पार्ट होते हैं, वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम, ठीक है। तो बेसिकली स्विचिंग का इतना टाइप हो गया। तो आगे स्विचिंग में चीज़ें बढ़ने से पहले क्या होता है ना कि कुछ बेसिक्स है एक, कि किस तरह से नेटवर्क आया, ठीक है, किस तरह से चीज़ें बनी और कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है, जब भी इसमें हमें सॉल्व करना होगा तो हम इसकी पुरानी टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है ना उसको सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क किससे चेंज में होना, टेलीफोन नेटवर्क होता था इससे पहले, ठीक है, फिर उसको बाद में कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। टेलीफोन नेटवर्क के पहले टेलीग्राम नेटवर्क होता था, ठीक है। तो अगर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे इसमें उसका सॉल्यूशन कैसे है, इसमें प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, ठीक है। तो जो टेलीग्राम नेटवर्क था वो सबसे पहले था, इसे वेस्टर्न जो वो था उसने क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसको कहते थे कि जो भी वेस्टर्न यूनियन था जो उसने इसको बनाया था, एक कंपनी के नाम से वेस्टर्न यूनियन एक कंपनी बनाई थी लोगों ने मिलके, उसने टेलीग्राम नेटवर्क बनाया था जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मनी ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए काम होता था, ठीक है, पहले। उसके बाद क्या हुआ, ग्राहम बेल आए, ठीक है। तो ग्राहम बेल ने क्या किया कि टेलीफोन बनाया, उसने ले गया वेस्टर्न यूनिट का जो मालिक था, तो उस मालिक को पहले बताया कि भाई मैंने ये बनाया है और इसमें क्या है कि आप दूसरे रूम में बैठ जाइए, मैं दूसरे रूम में बैठ जाऊँ और आपस में मतलब फ़ोन पे बात कर सकते थे, इस तरह का इसने कुछ बनाया। तो जब इस तरह का इसने कुछ बनाया तो इसको पसंद आया, ठीक है, उसने कहा हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा भाई मैं अपनी इस चीज़ को तो मैं बेचना चाहता हूँ, $1,00,000 में बेच रहा था, ठीक है, लेकिन $1,00,000 में इसको बेचना चाह रहा था इसको, लेकिन इसने क्या कहा, उसने कहा नहीं मैं $1,00,000 में नहीं खरीदूँगा, ठीक, नहीं खरीदा भाई उसने। तो ग्राहम बेल आया, ग्राहम बेल ने क्या किया, कुछ दुकानदार पकड़े, बड़े बड़े आदमियों को क्या करते थे वो फ़ोन सेल करते थे, वो आपस में एक सिटी के बीच में बैठ के आपस में कम्युनिकेट कर लेते थे। तो एक सिटी में थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वेस्टर्न यूनियन ने कहा यार करने दो, आपस में एक सिटी में कनेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, लोगों को बात करा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी थे इन्होंने इसे अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके एक कंपनी बनाई, AT&T, ठीक है। तो ये जो कंपनी थी इन लोगों ने बनाया, बनाने के बाद 10 साल बाद बनाया, ठीक है, 10 साल बाद ये AT&T कंपनी बनाई। और फिर AT&T कंपनी ने जब इसने इसको कहा था खरीदने के लिए $1,00,000, AT&T ने वेस्टर्न यूनिट को ही खरीद लिया, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन था उसको खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और इस तरह से एक वो बंदा जो 1,00,000 में अपनी उस आविष्कार को बेचना चाह रहा था, उसने उसी आविष्कार के द्वारा पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की गई, जैसे यहाँ पर बोला कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जो टेलीफोन नेटवर्क था उसमें क्या किया जाता था कि जो मेट्रो सिटी थी, ठीक है, मेट्रो सिटी में जो STD नंबर होता है वो जैसे 011, 022, 033 इस तरह से होता है, ठीक है, बाकी 8 नंबर का टेलीफोन ID होती है, ठीक है। तो जो मेट्रो सिटीज थी बहुत कम होती थी, ठीक है, तो उनको आपस में मतलब जो नंबर ऑफ सिटीज हैं जैसे, तो 4-5 जो मेट्रो सिटीज हैं बड़ी बड़ी उनके लिए 3 डिजिट्स काफ़ी होते थे, कि वो इतनी कम होती थी कि इनसे आप इनसे हम हर एक को इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे। और हर एक मेट्रो सिटी बड़ी होगी तो नंबर ऑफ टेलीफोन्स ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ टेलीफोन्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ यूजर्स को असाइन करने के लिए ज़्यादा बिट्स चाहिए होंगी, तो टोटल 8 बिट्स इसको देती थी। टेलीफोन में क्या टोटल 11 बिट्स यूज़ करते थे,
जबकि जो कंप्यूटर नेटवर्क था उसमें टोटल 32 बिट्स यूज करते थे IPv4 में जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसमें भी क्लासेस डिफाइन कर दी थी, क्लास ए जो था उसमें भी इसी मेट्रो सिटी के उस पर किया कि भाई ऐसे लोग आएंगे जो मतलब जिनका मतलब बहुत ज़्यादा एरिया हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एरिया में ऐसे कम में हम डिवाइड कर पाएंगे। तो जो हमें नेटवर्क आईडी होती थी इसको नेटवर्क आईडी और इसको होस्ट आईडी का नाम दिया, ठीक है, होस्ट आईडी मीन्स यूज़र आईडी। तो इन्होंने कहा कि जो नेटवर्क आईडी है वो कम बिट की होनी चाहिए क्योंकि बड़े बड़े एरिया में डिवाइड करेंगे तो कम एरिया बनेंगे उसमें, ठीक है। तो इन्होंने 8 बिट का नेटवर्क आईडी रख दिया और 24 बिट का होस्ट आईडी रख दिया, ठीक है। अब देखो मेट्रो सिटी हो गया, जब आए टाउन में तो एक मेट्रो सिटी कई टाउन्स में डिवाइड था, ठीक है। अब टाउन थोड़ा सा क्या हुआ, नंबर ऑफ टाउन्स ज़्यादा हो गए और टाउन का साइज छोटा हो गया, तो नंबर ऑफ उसके लिए 4 STD कोड असाइन करने लगा STD के लिए और टेलीफोन आईडी के लिए 7 बिट। जैसे कि लखनऊ की बात करें 0522, कानपुर की बात करें 0512, इस तरह से कोड आते हैं लगे बड़ी बड़ी सिटीज का, टाउन्स का, ठीक है। तो इस तरह से उनको नंबर असाइन कर दिया कि उनका एसटीडी कोड इतने का 4 का रहेगा और वो 7 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनका साइज छोटा हो गया तो नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए। नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए तो उन्हें कम बिट्स रिक्वायर्ड लगी यूजर्स के लिए। ऐसे ही क्लास बी में किया, ठीक है, कि ये 16 कर दिया और ये 16 कर दिया, मतलब नंबर ऑफ यूजर्स कम हो गए बट वो उनका जो क्लास है जो कैटेगरी है वो ज्यादा हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे तो आएंगे विलेजेस पे और छोटे लेवल पे। तो उसमें देखो विलेजेस में क्या होता था कि बहुत कम जनसंख्या है तो यूजर आईडी कम बिट कर दिया और विलेजेस की संख्या मतलब जो नंबर ऑफ विलेजेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे बट एक विलेज में यूजर्स कम रहेंगे। तो यूजर आईडी थी उसको 6 बिट का कर दिया, वो यहाँ का कर दिया। जैसे मेरे यहाँ की बात करते हैं तो मेरे यहाँ का कोड था 02580, ठीक है, तो मतलब 05280 ये 5 बिट्स का मेरा एसटीडी कोड होता था और 6 बिट का सिर्फ नंबर होता था, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने क्लास सी बनाया, वो क्लास जहाँ पर बहुत छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया तो नंबर ऑफ एरियाज ज़्यादा हो गए, तो नेटवर्क आईडी हमने 24 बिट का कर दिया और होस्ट आईडी सिर्फ 8 बिट का कर दिया। तो जो ये नेटवर्किंग में करते थे आया कहाँ से, आया उसी टेलीफोन नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसको वहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे और आगे देखेंगे कि फिर सर्किट स्विचिंग किस तरह से स्टार्ट हुआ, पैकेट स्विचिंग में क्या क्या होता था, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं, ठीक है, थैंक यू।